हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम देखेंगे अपना सेकेंड ईयर फिजिक्स का जो हमारा चैप्टर चल रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर नंबर 12। उसके अंदर एक टॉपिक है जी, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन बाय मिलिकन्स एक्सपेरिमेंट। जरा वो देखते हैं। टॉपिक नंबर है जी हमारा 12.12, ठीक है। चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन बाय मिलिकन्स एक्सपेरिमेंट, ठीक है। इसका एक और नाम भी है, उसको कहते हैं मिलिकन्स आई ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, ठीक है। उसका नाम है मिलिकन्स आई ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो यहाँ जस्ट इसे आई ड्रॉप एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं, ठीक है। अब हुआ कुछ यूं कि हमारे पास ये तो पता लग गया कि एटम न्यूट्रल है, छोटा पार्टिकल, उसके अंदर एक चार्ज है जिसके गिर रिवॉल्व कर रहा है। अब ये देखना था कि वो चार्ज नेगेटिव है और उस पर ऊपर कुछ ना कुछ तो अमाउंट होगी। अभी वो क्यों? क्योंकि हमें पता था कि जो चार्ज है इसका जो यूनिट है वो है कूलम। सी, अब ये कितनी अमाउंट का चार्ज है, किसके ऊपर? इलेक्ट्रॉन के ऊपर। यानी कि हाउ मच ऑफ चार्ज वैल्यू ऑन इलेक्ट्रॉन। अब ये तो पता था कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है नेगेटिव, लेकिन उसकी मिकदार कितनी है कूलम्स में, ठीक है। तो ये देखना था। इसके लिए फिर ये 1909 में एक एक्सपेरिमेंट होता है, 1909, ठीक है, रॉबर्ट एंड्रियोस मिलिकन। ये बंदा है जिसने एक्सपेरिमेंट करता है और इसको हमारी बुक कहती है आर ए मिलिकन। इसने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें इसने ऑयल को यूज किया, जिसका नाम पड़ा फिर ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट टू कैलकुलेट दी अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। तो इस बंदे ने इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज की मकदार को कूलम में कैलकुलेट किया है, ठीक है। ये एक सिंपल सी, मतलब उस ज़माने का एक्सपेरिमेंट है, होंगे और भी, लेकिन जो मिलिकन ने जो यूज़ किया जो एक्सपेरिमेंट, उसको बोलते हैं आयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो चलें इसकी पहले हम एक सिस्टमेटिक सी डायग्राम देखते हैं कि उसके अंदर हुआ क्या था, मतलब जो इसकी जो ऑपरेटर्स था उसकी एक सिंपल सी डायग्राम, देन फिर हम टॉपिक को आगे डिस्कस करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें ना इसकी डायग्राम ही है, ठीक है, और कैलकुलेशन बड़ी आसान है, थोड़ी सी चैप्टर नंबर 6 फर्स्ट ईयर में से इन्होंने इंक्लूड की हुई है, बाकी ये देखते हैं। इसने ना एक क्लोज चैम्बर लिया, ठीक है। अब ये चैम्बर क्लोज इसलिए लेते होते हैं हम कि ताकि एक्सटर्नल जो इफेक्ट्स हैं उसके ऊपर ना आए। जैसे कि मैं कहता हूँ यार मैंने इस कमरे में कोई एक्सपेरिमेंट करना है, तो मैं कहता हूँ कि भाई इधर से हवा ना आए, एक्सपेरिमेंट ख़राब हो जाएगा या टेम्परेचर ना चेंज हो, तो ये इसने एक्सटर्नल जो इफेक्ट्स हैं उनसे बचाने के लिए क्लोज चैम्बर ले लिया, ठीक है, जिसके अंदर हम कहते हैं कि अंदर वाला सिस्टम अलग ही कर दिया इसने, ये एक बाउंड्री लाइन बना दी बाहर वाले और अंदर वाले सिस्टम के दरमियान, ठीक है। इसके अंदर चूंकि ये ग्लोज ऐसे गोल चैम्बर था, मतलब इसकी शक्ल जो है ऊपर से इस तरह गोल है, ये अगर आप इसको इस जगह से देखोगे ऊपर से तो ये आपको इस तरह गोल नजर आएगा, ठीक है, ये इस तरह का गोल क्लोज चैम्बर है। इसके अंदर इसने इसके इस जगह पर सेट किया ऑटोमाइजर, ठीक है। ऑटोमाइजर क्या होता है? स्प्रे नहीं होती, जैसे कि आप परफ्यूम है उसको ऐसे दबाते ऊपर उसके नोजल सी लगी होती है जिसमें से ऐसे परफ्यूम मिस्ट की शक्ल में निकलता है, फवार की शक्ल में, वो ऑटोमाइजर है उस तरह का, वो इसने लगा दिया। जाहिर सी बात है इसके पीछे की तो इसका डब्बा सा होगा जिसके अंदर आपकी वो चीज़ होगी जो आपने मिस्ट की शक्ल में फेंक ली, ठीक है। इधर इसने लगाई दो बड़ी मेटल की प्लेट्स, लाइक ऐसे समझ लो कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हमने देखा है, आपको पता होगा कि ये कैपेसिटर किस तरह की, हमने प्लेट हमने पहले थोड़ी देर पहले डिस्कस किया एक टॉपिक में गोजिस में, तो ये इस तरह की हमारे पास प्लेट्स होती हैं। तो इसने क्या किया, इसने ऐसा कैपेसिटर लिया जिसकी प्लेट्स कैसी थी, गोल प्लेट्स थी, ऐसे गोल प्लेट्स, ठीक है। वो गोल प्लेट इसने एक इधर फिक्स कर दी और एक नीचे फिक्स कर दी। अब जाहिर सी बात है कि ये पॉइंटर की ये चीज़ आपको गोल नज़र आ रही है, लेकिन इधर से देखोगा तो आपको एक सिर्फ लाइन नज़र आएगी।
उसी तरह की एक इसने इस जगह पर प्लेट सेट कर दी, ये रही और ये रही, ये दो गोल प्लेट्स हैं इधर, ठीक है। जैसे कि ये है, एक ऊपर है और एक नीचे। जो ऊपर वाली प्लेट है इसके अंदर सेंटर में इसने रखा हुआ है सुराख, तो जाहिर सी बात है जो सुराख है वो यहाँ से आपको ओपन ही नजर आएगा। ये मतलब नहीं है ये प्लेट आपस में टूटी हुई हैं, अलग अलग दो हैं, नहीं, ये एक ही प्लेट है। इस तरह गोल प्लेट है और इसके सेंटर में एक छोटा सा इसने होल रखा हुआ है। होल क्यों रखा हुआ वो भी पता लग जाए। अब जाहिर सी बात है इसको हमें किसी पोटेंशियल के साथ क्या करना पड़ेगा, कनेक्ट भी करना पड़ेगा। तो इसने इसे कनेक्ट कर दिया किसी भी पोटेंशियल के साथ, और वो पोटेंशियल कैसा है, वेरिएबल, यानी कि आप इस पोटेंशियल को कम या ज़्यादा कर सकते हो। और इन दो प्लेट्स के दरमियान में जो डिस्टेंस डी है वो इसे पता था, क्योंकि इसने खुद एडजस्ट किया डब्बा, तो इसको पता था इन दो प्लेट्स के दरमियान में डिस्टेंस डी। अब ये पूरा सेटअप लगवा, इस तरफ एक विंडो है, जैसे कि ये पूरा गोल चैम्बर है, तो एक ये आपकी तरफ विंडो है, एक इस तरफ विंडो है। जो आपकी तरफ वाली विंडो है वो इस जगह ऐसे बुक ने बनाई हुई है ऐसे करके, ऐसे, ठीक है। इसका नाम उसने रखा हुआ है विंडो टू, ठीक है। इसका काम क्या था, इधर से इसने लगा हुआ था इधर सेंटर में एक माइक्रोस्कोप, जो कि इस जगह को देखता था, माइक्रोस्कोप इस जगह को, यानी कि इस पूरे इलाके को क्या करता था, ऑब्जर्व करता था कि इसके अंदर हो क्या रहा है। क्योंकि मिस्ट की शक्ल में आना छोटे छोटे पार्टिकल्स, तो जाहिर सी बात है वो हम आम अपनी नेक डाई से तो देख नहीं सकते, उसको अच्छी तरह ऑब्जर्व करने के लिए माइक्रोस्कोप एडजस्ट कर दिया गया, ठीक है, एक पार्टिकल को जैसे ऑब्जर्व करने के लिए, ठीक है। अब हमें पता है कि ये डब्बा है, क्लोज चैम्बर है, इसमें तो होगा अंधेरा, माइक्रोस्कोप को क्या नजर आएगा, कुछ भी नहीं। अब इसको देखने के लिए क्या जुगाड़ लगाया गया, एक और विंडो इधर रखी गई, ठीक है। इस विंडो का नाम रख दिया उसने विंडो वन, कुछ भी रख सकते हो आप, वो कोई इशू नहीं है, इसका नाम विंडो वन। अब इधर से क्या हमने इंटर करनी थी, इस साइड के ऊपर लाइट सोर्स, ताकि इस हिस्से को वो इल्यूमिनेट करे, तो इधर हमने रख दिया एक लाइट का सोर्स और सामने एक रख दिया लेंस। हमने कहा भाई लेंस क्यों रखा, उसने कहा सर लाइट जो है ना वो फैल के जाएगी तो वो अंदर पूरे डब्बे को सही तरह उस रोशन करेगी, लेकिन हमें चाहिए ये पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन को रोशन करना। तो यहाँ से लाइट आई इस माइक्रोस्कोप से, यूं आई और सॉरी इस लेंस से यूं आती हुई इस हिस्से को क्या करने लग जाएगी, इल्यूमिनेट। ये इसका बन गया सेटअप, ठीक है। अब मुझे पता है कि अगर यहाँ पर फील्ड है, सॉरी पोटेंशियल है और डिस्टेंस है, तो इन प्लेट्स के दरमियान में इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी, पोटेंशियल को कनेक्ट किया जाएगा, ठीक है। अब हुआ कुछ यूँ कि जब इसने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया, ठीक है, एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया, तो इसने इस डब्बे में रखा हुआ था ऑयल, ठीक है, इधर ऑयल था। जैसे इसने ऑटोमाइजर से ऑयल को ऐसे दबाया तो इधर से ऑयल गिरना शुरू हो गया यूं। अब जब वो ऑटोमाइजर है तो उससे जब ऑयल गिरा तो वो किस शक्ल में गिरा, मिस्ट की शक्ल में। किस शक्ल में, मिस्ट। मिस्ट कहते हैं शबनम टाइप नहीं, फवार, वो बिल्कुल बारीक बारीक सी, जैसे कि वो परफ्यूम से जो निकलता है परफ्यूम, वो बिल्कुल परफ्यूम की बॉटल से जब निकलता है तो मिस्ट इस शक्ल में निकलना शुरू हो गया। अच्छा, अब इसने इस मिस्ट के ऊपर पहले लाना था चार्ज, ठीक है, यानी कि इस मिस्ट के ऊपर चार्ज लाना था, और ये मिस्ट किसकी है, आपके इधर पड़े हुए ऑयल की। अब ये जो मिस्ट है इसके ऊपर, अब ऑयल के ऊपर चार्ज लाना था। अब बुक ने क्या कहा, बुक ने तो सिंपल सी कहानी सुना दी हमें कि भाई जब ये ऑयल इसमें से निकला तो इस ऑटोमाइजर की वाल और ऑयल के दरमियान में रगड़ हुई, जिसकी वजह से ऑयल के ऊपर चार्ज आ गया। पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, लेकिन हकीकत में कहानी कुछ यूं थी कि इसने इस चैम्बर के ऊपर फेंके थे यहाँ से एक्सरेस, ठीक है। जब एक्सरेज इस चैम्बर पे पड़ी अंदर, तो इसने अंदर वाली जो इसके अंदर एटमॉस्फेयर थी, हवा थी, और इसको और आयल को क्या कर दिया, आयोनाइज कर दिया, चार्ज कर दिया। और जब वो मालिक्यूल्स यानी कि जो मिस्ट थी, वो जब आयल इस हवा के साथ रगड़ खाती थी, तो पता था कि चार्ज इस आयल से, वो हवा के आयोनाइज पार्टिकल से उसके ऊपर क्या हो जाता है, ट्रांसफर होता है। तो कुछ आयोनाइज हवा से जो चार्ज था वो इस इलेक्ट्रॉन्स पर क्या, इस सॉरी मिस्ट के ऊपर ट्रांसफर हो गया, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। जैसे ही ये बंदा इस चैम्बर में एंटर हुआ, तो इस चैम्बर में अब मैं इधर एक मिस्ट, अब इधर होंगी तो काफ़ी ज़्यादा, लेकिन हम सिर्फ बात करेंगे उसकी जिसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा नेगेटिव। ये मिस्ट मैं बड़ी करके बना रहा हूँ, इनकी है तो छोटी सी, लेकिन मैं जूम करके बड़ा कर दिया। अब जैसे ही इस होल में एंटर हुआ, तो हमें पता है कि ये ऊपर वाली प्लेट चूंकि पॉजिटिव पोटेंशियल से कनेक्ट है, तो इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और नीचे वाली प्लेट पर नेगेटिव। अब ये मिस्ट इंटर हुई, अब इसके ऊपर तो बेचारी पर नेगेटिव चार्ज है। अब ये आ रही है नीचे किसकी वजह से, आपको कह सर नीचे आ रही है ये अपने वेट की वजह से, विच इज इक्वल टू
एम जी, लेकिन इसके ऊपर एक और फोर्स लगनी शुरू हो जाएगी। अगर आप बैटरी इधर कनेक्ट करोगे तो आपको पता है कि पॉजिटिव से नेगेटिव फील्ड लाइंस बननी शुरू हो जाएंगी और पॉजिटिव प्लेट इस नेगेटिव पार्टिकल को अपनी तरफ क्या करना शुरू कर देगी, अट्रैक्ट करना शुरू कर देगी बाई इलेक्ट्रिक फोर्स। ऐसे ही होगा, इसे इधर बड़ा इधर बनाते हैं, इसे थोड़ा बड़ा करके। ये है जी आपका नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर इस जगह लगनी शुरू हो रही है इलेक्ट्रिक फील्ड और नीचे ये नीचे आ रहा है W इज इक्वल टू F इज इक्वल टू W और W इज इक्वल टू एम जी अपने इसकी वजह से। अब मिलिकन को पता था कि वो इस फील्ड को यानी कि इस ऊपर वाली फोर्स को एडजस्ट कर सकता है। हमने कहा भी वो कैसे, उसने कहा सर आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है पीछे F इज इक्वल टू क्यू ई। मैंने कहा हाँ, और इसमें क्यू क्या है, क्यू आपका वो चार्ज पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन। कौन है चार्ज पार्टिकल, ये इलेक्ट्रॉन जो कि किसके ऊपर पड़ा हुआ है, ये इस मिस्ट के ऊपर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को तो हम देख नहीं सकते ना, पकड़ नहीं सकते, लेकिन इस मिस्ट को तो पकड़ सकते थे, वो फोर्स थी। अब हमें पता है कि नीचे वाली वेट, नीचे वाला वेट तो उसका फिक्स है, वो तो W इक्वल टू एम जी है ना, एम और जी, एम भी उसका फिक्स है, जी इस जगह पर फिक्स है जिसकी वजह से वो नीचे। लेकिन हम ऊपर वाली फोर्स को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अभी वो कैसे, अगर हम एफ को चेंज करें, एफ कैसे चेंज होगा, अगर ई को चेंज करें, और ई कैसे चेंज होगा, हमें पता है कि हमारे पास फार्मूला है वी इज इक्वल टू ई डी, तो ई बराबर आ जाता है वी बाई डी। अब हमें पता है कि डी तो फिक्स है प्लेट्स के दरमियान में, लेकिन ये बैटरी वेरिएबल है, अगर हम इसकी वैल्यू को ज़्यादा करते जाएं तो यहाँ से फील्ड बढ़ेगी, फील्ड के बढ़ने से ई बढ़ेगा, ई के बढ़ने से एफ बढ़ेगा और एफ से ऊपर वाली फोर्स बढ़ेगी। इसने इसको कुछ इस तरह एडजस्टमेंट की के हुआ कुछ यूं कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है ऊपर वाली और जो नीचे वाली वेट वाली फोर्स है वो दोनों क्या हो जाती हैं, बराबर हो जाती हैं। ठीक है, अब जब ये बराबर हो जाएंगे तो ये पार्टिकल इन दो प्लेट्स के दरमियान में इस तरफ रुका हुआ साकिन नजर आएगा, यानी कि सस्पेंडेड इन एयर। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं, इसको ज़रा मैं रिमूव कर, अब आपको पता होगा कि इधर से लाइट आ रही है। ठीक है, कैलकुलेशन इधर करते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या हो गया कि इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू ये वाली फोर्स। अब इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होती है, एफ इज इक्वल टू क्यू ई, और ये वाली फोर्स क्या होती है एम जी, यही बनता है। अभी अभी आपने पढ़ा, अगर आप इस इक्वेशन को देखो तो यहाँ से Q हमने निकालना है तो क्या आ जाएगा एम जी ओवर E, और E आपके पास पढ़ा है V बाई डी, तो ये इक्वेशन जो है इक्वेशन वन ये कन्वर्ट हो जाती है Q इज इक्वल टू एम जी डी, क्योंकि ये इसके बटे में आ जाएगा और ये इधर चला जाएगा। वेयर V इज द पोटेंशियल, M इज द मास, G इज द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एंड D इज द डिस्टेंस। अब इस कैलकुलेशन के अंदर आप गौर करें तो हमें ये तो पता है, ये भी पता है, ये भी पता है क्यों निकालेंगे, लेकिन क्या नहीं पता वैल्यू ऑफ एम, कि हमारे पास जो एम की वैल्यू वो नहीं पता। अब ये थोड़ी ना है कि आप यहाँ से चौको जानी तो एक मिनट रुक, तो ये मैं तोलना है, पकड़ा लाए तोला तोल के वापस रख दिया, नहीं, जब आप पकड़ के निकालोगे चार्ज चेंज हो जाएगा, ज़्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है, इसका मतलब है इसको यहीं पर कैलकुलेट करना है। तो मिलिकन ने इस सिस्टम के साथ लगाया एक स्विच इधर और इस फील्ड को कर दिया बंद। इसने कहा जानी जा सिमरन जी ले अपनी ज़िंदगी, जब फील्ड को ऊपर वाली को ख़त्म कर दिया गया इसको, तो अब यही चार्ज पार्टिकल जो कि पहले यूं मजबूर था ऊपर वाली इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से, अब वो इलेक्ट्रिक फोर्स आपने क्या कर दी ख़त्म, क्योंकि आपने जब पोटेंशियल बंद करना है तो यहाँ से ई ज़ीरो हो जाना है और फोर्स भी ज़ीरो हो जानी है, जिसकी वजह से ये फ्री फॉर मोशन करता हो नीचे। लेकिन चूंकि जब ये नीचे आ रहा है तो ये यहाँ से किस चीज़ में से होता हुआ आ रहा होगा, इस डब्बे में पड़ी हुई एयर की वजह से। तो जब एयर में आ रहा है तो एक पार्टिकल नीचे आ रहा है, तो इसके अंदर वो चैप्टर सिक्स वाली कहानी आ जानी है, क्या कि जब ये नीचे आ रहा होगा तो इसके ऊपर ये फोर्स ख़त्म होते ही इलेक्ट्रिक है कोर फोर्स लगनी शुरू हो जानी है, उस फोर्स का नाम क्या होना है एफ डी। मैंने कभी वो कौन सी फोर्स है, उसका ड्रैग फोर्स, और जब ये ड्रैग फोर्स से नीचे आना शुरू होगा तो इसकी एक वेलोसिटी बढ़नी शुरू होगी, एक कांस्टेंट वेलोसिटी ये ले लेगा, उस कांस्टेंट वेलोसिटी का हमने नाम पढ़ा था पीछे टर्मिनल वेलोसिटी। तो जब ये टर्मिनल वेलोसिटी से नीचे आएगा तो इसकी जो ऊपर वाली ड्रैगिंग फोर्स है और वेट, ये दोनों क्या हो जाएंगे बराबर, यानी कि अभी ये इक्वेशन चल रही थी तो अब क्या होगा कि ड्रैग फोर्स इज इक्वल टू एफ ऑफ डब्ल्यू। ठीक है, अब ड्रैग फोर्स क्या होती है आपको पता है, सिक्स पाई ईटा आर वी टी, जब ये वेट के बराबर होता है तो ये वी कन्वर्ट होता है टर्मिनल वेलोसिटी में और ये क्या आ जाएगा एम जी, यही बनेगा। अब ये ड्रैग फोर्स के अंदर सिक्स पाई तो कॉन्स्टेंट है, ईटा क्या, ईटा इज द विस्कोसिटी ऑफ द एयर जिसमें से ये आ रहा है, और आर इज द रेडियस ऑफ दैट मिस्ट। ठीक है,
VT इज द टर्मिनल वेलोसिटी, mg, m आपको पता है मास और g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो यहाँ से अब क्या चीज़ हमने निकालनी थी, मास। तो जब हम मास निकालते हैं तो मास निकालने के लिए आप इस फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। लेकिन मास हमारे पास फिर रोल है, क्योंकि यहाँ तो आप रेडियस निकाल सकते हो एट अ टाइम आर, कि भाई इसका साइज़ क्या है, क्योंकि हमारे पास आर भी नहीं है, या मास। अब मास के लिए तो हमने ये सारा रोला किया। फिर हमें पता है कि चूंकि ये आयल है, इसकी कुछ ना कुछ क्या होती है, डेंसिटी। और डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है, रो इज इक्वल टू एम बाई वी। तो यहाँ से एम किसके बराबर आ जाता है, एम बराबर रहता है रो इंटू वी। अब रो क्या होता है, रो हमारे पास डेंसिटी है, लेकिन जो वॉल्यूम है इस सफ़ेद का, चूंकि ये मिस्ट और ये सफ़ेद की शक्ल में आना है, लिक्विड अपनी सरफेस टेंशन को बरकरार रखते हुए गोल अंडे की शक्ल में आएगा, मतलब अंडा तो चलो बेस भी होता है, गोल फुटबॉल टाइप शक्ल में आएगा। तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर का क्यूब। इसका मतलब है कि एम की जगह पर आप पुट कर सकते हो रो 4/3 पाई आर का क्यूब। आप ज़रा पुट करें इधर इस इक्वेशन 2 में, तो ये बन जाएगा 6 पाई ईटा आर VT इज इक्वल टू एम की जगह आ जाएगा रो 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी। ये स्केयर है, ये स्केयर बचेगा। तो यहाँ से आर स्केयर किसके बराबर आ जाएगा, आर स्केयर बराबर आ जाएगा ये ऊपर चला, ये इसके साथ इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आ जाएगा पाई बाई से कैंसिल हो जाएगा, तो 3 × 6 ईटा वी टी ओवर क्या आ जाएगा, 4 × g, यही बनेगा आई थिंक, ठीक है। तो ये 2 ये 3, तो इसका आंसर बनेगा 9 ईटा वी टी ओवर 2 g × r² अब r निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, अब हमें पता है 9 भी कांस्टेंट है, ईटा भी कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, g भी कांस्टेंट है, तो इनमें रह क्या चीज़ गई, वी टी रह गया। अब वी टी कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब वी टी के लिए क्या जुगाड़ लगाया गया, वो मैं इधर इसे इरेज करता हूँ। हमें पता है कि s इज इक्वल टू क्या होता है, v और t, ये वी टी नहीं है, ये है वी टी इंटू टी, जहाँ पर वी टी टर्मिनल वेलोसिटी, t इज द टाइम एंड s इज द डिस्टेंस। तो यहाँ से जो वी टी है वो किसके बराबर आ जाएगा, s ओवर t। अब ये कैसे कैलकुलेट किया, उसे पता था कि भाई यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस ये है जो कि s है, या इसकी जगह पे आप d लिख सकते हो, ओवर टाइम, इधर से इधर तक आने का टाइम इसने कैलकुलेट कर लिया। जब ये यहाँ से ये दोनों वैल्यूज पुट की तो आपके पास वी टी निकल आया, इस वी टी को इधर पुट किया तो आर स्क्वायर निकल आया, आर स्क्वायर को पुट किया इधर, तो यहाँ से m निकल आएगा। ये फार्मूला आपके पास है, इसको बल्कि आप चेंज कर सकते हो, तो m इज इक्वल टू आप लिख सकते हो 6 पाई ईटा आर वी टी ओवर जी। m निकल आया, इस m की वैल्यू को पुट किया इस इक्वेशन में तो क्या निकल आया, q निकल आया, और यहाँ से q की वैल्यू फिर आप mg d ओवर v इससे कैलकुलेट कर सकते हो। m आपको चाहिए था और v आपके यहाँ पर पोटेंशियल का डिफरेंस है, और जैसे आप v का पोटेंशियल इधर पुट करोगे तो आपके पास क्या निकल आएगा, q, और यहाँ से इसने q को कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अब जरा आगे की कहानी देखते हैं, डायग्राम मैं रेस कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस इक्वेशन 1 से इसने जब एक्सपेरिमेंट सारा कर लिया तो इसने देखा कि जो q की वैल्यू है वो एक बार तो आया 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, फिर इसने देखा तो q की वैल्यू आ रही थी 3.2 × 10⁻¹⁹ कूलम, फिर इसने देखा q की वैल्यू, यानी कि पहला एक्सपेरिमेंट, दूसरा एक्सपेरिमेंट, तीसरा, यानी कि जो इसने रिपीट किया एक्सपेरिमेंट, 4.8 × 10⁻¹⁹। अब ये बेचारा कन्फ्यूज हो गया कि यार ये क्या रोल है, लेकिन जब इसने थोड़ी सी मैथमेटिक्स लगाई तो इसे लगा कि ये ऐसे लिखा हुआ है, दूसरे में ये ऐसे लिखा हुआ है, तीसरे के अंदर ये ऐसे लिखा हुआ है, इसे समझ आ गई कि जो ये चीज है ये असल में q को ये कहना चाह रहा है, ne means कि जहां पर तो ये वैल्यू है, ये कम से कम वैल्यू, इसका मतलब है कि कम से कम जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है वो इतना है। ये चार्ज कहां से आया, क्योंकि इस चार्ज पर जब इसने ये वाली कैलकुलेशन की तो इसे पता लगा कि इन कैलकुलेशन से जब ये वाला आंसर आता है तो इसके अंदर
इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कितनी है, दो, यानी कि उस मिस्ट के ऊपर दो इलेक्ट्रॉन थे, इसके ऊपर तीन इलेक्ट्रॉन थे, तो यहाँ से जनरल फार्मूला बना Q इज इक्वल टू एन ई, एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड ई इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन यू है, तो यहाँ यानी कि जिसके ऊपर जितने ज़्यादा चार्ज होंगे उसके ऊपर ज़्यादा आपके पास चार्ज की टोटल वैल्यू होगी, और जो कम से कम वैल्यू कैलकुलेट की ई की वो थी ई इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, तो ये थी चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इसके अंदर एक क्वेश्चन बनता है, वो है व्हाई ही यूज ऑयल इन हिज एक्सपेरिमेंट, तो इस क्वेश्चन का आंसर जरा सोचो, वीडियो को पॉज करके फिर मैं बताता हूँ। इसने ऑयल इसलिए यूज़ किया, पानी क्यों नहीं यूज़ किया, क्योंकि ऑयल की एक तो जो विस्कोसिटी है वो ज़्यादा है, तो आपको पता है चैम्बर में इतना सा तो चैम्बर है, इतनी जल्दी अगर वो पानी बड़ी कम विस्कोसिटी की वजह से नीचे आ जाएगा तो ये कैलकुलेशन, टाइम की कैलकुलेशन बड़ी ये मुश्किल हो जाएगी, और वीटी मुश्किल हो जाएगा, फिर सारी कैलकुलेशन में एरर आने के चांसेस ज़्यादा हैं। ऑयल की चूँकि विस्कोसिटी ज़्यादा है, विस्कोसिटी मीन गाढ़ापन, तो इसलिए उसे हवा में नीचे आने के लिए अच्छा खासा टाइम लगता है बनिस्बत के पानी के, तो वीटी की वैल्यू की कैलकुलेशन बड़ी आसान हो जाती है। दूसरा, पानी जो है ये टेम्परेचर से इफ़ेक्ट हो जाता है, इसकी शेप इफ़ेक्ट हो जाती है, क्यों, क्योंकि इसकी जो सरफेस टेंशन है पानी की वो किसकी वजह से इफ़ेक्ट होना लग जाती है, टेम्परेचर की वजह से, क्योंकि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट आपको पता है, तो वो इस ऑयल से क्या था, कम था, जिसकी वजह से आप पानी जो है वो बड़ी जल्दी अपनी शेप को भी डिस्टोर कर सकता है, और उसके ऊपर ये टेम्परेचर की वजह से ऊपर का इफेक्ट ज़्यादा लगता है एवापोरेशन का, लेकिन चूंकि ऑयल है तो इसके ऊपर इसकी विस्कोसिटी के अलावा टेम्परेचर का इफेक्ट थोड़ा कम था, तो इसलिए मिलिकन ने अपने एक्सपेरिमेंट में ऑयल यूज़ किया बनिस्बत के जो हमारे पास वाटर है या आप पेट्रोल इथेन वगैरह इनसे, मतलब पेट्रोल या अल्कोहल वगैरह इनसे, क्योंकि इसके ऊपर विस्कोसिटी का इफेक्ट ज़्यादा है जिसकी वजह से ये वाली कैलकुलेशन बड़ी आसान हो जाती थी, तो इसलिए मिलिकन ने अपने एक्सपेरिमेंट में किसको प्रेफरेंस दी इस्तेमाल करने के लिए, ऑयल को। ये था आपका मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में बताएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, थैंक यू।